हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करें कैसे आप जरोदा काइट ऐप के अंदर गोल्ड्स, जिसे हम कमोडिटी ट्रेडिंग बोलते हैं, उसके अंदर कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें आपको इंट्राडे में कितना मार्जिन मिलता है, डिलीवरी में आपको कितना मार्जिन मिलता है, उसके बाद आप इसमें के अंदर SL ऑर्डर कैसे पुट करेंगे, इसमें आप लिमिट ऑर्डर कैसे लगाएंगे, इसमें आप मार्केट ऑर्डर को कैसे पुट करेंगे, और गोल्ड के अंदर आप कैसे ट्रेडिंग करेंगे, कितने का आपका एक लॉट्स पड़ेगा, कैसे कैसे आप इसको सर्च करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे GOLD डाला सर्च बॉक्स में। जब आप यहाँ पे GOLD डालेंगे तो आपके पास काफ़ी गोल्ड बीज के नाम से आएगा, गोल्ड बीज में BSE में आएगा, NSE के अंदर गोल्ड अभिनव के नाम से आएगा, अलग अलग आएंगे। बट हमें कमोडिटी ट्रेडिंग करनी है तो उसके अंदर हम नीचे आएंगे तो आपको MCX के अंदर एक मिलेगा फ्यूचर का एक लॉट। आप यहाँ पे देखेंगे एक्सपायरी इसकी अक्टूबर की एक्सपायरी है, दिसंबर की एक्सपायरी है, फेब की एक्सपायरी, अप्रैल की एक्सपायरी। तो आपने देखा होगा 2 मंथ्स का गैप है यहाँ पे एक्सपायरी में। तो आप हमेशा गोल्ड में जब आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड्स के अंदर, तो आपको जो फ्यूचर का आप एक लॉट बाई करेंगे तो उसकी एक्सपायरी हमेशा 2 मंथ्स के बिटवीन गैप में आपको मिलेगी। आप जब फ्यूचर के इस पर क्लिक करते हैं अक्टूबर की एक्सपायरी में, तो इसका प्राइस देखेंगे आप 5889 रुपीज़ आज की ये प्राइस है अक्टूबर की एक्सपायरी। जब आप बाय पे क्लिक करेंगे, बाय पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले रेगुलर ऑर्डर, AMO ऑर्डर, दोनों के बारे में बात करें कैसे कैसे आप दोनों के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने रेगुलर पे क्लिक करा, इसमें हम देखेंगे मार्जिन कितना मिलता है। जब हम क्वांटिटी आएंगे तो आपको एक लॉट मिनिमम बाय करना पड़ेगा, एक लॉट के अंदर 1000 इसकी क्वांटिटी होती है। तो आप मैनुअली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक क्वांटिटी का प्राइस 5889 है, तो 1000 क्वांटिटी का कितना प्राइस आपके पास पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इसमें पता चल जाएगा कि अप्रोक्स आपका 58,894 इसका एक का प्राइस पड़ता है 58 लाख। बट इसमें आपको मार्जिन मिल जाता है, मार्जिन कितना मिलता है आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको ओवरनाइट में बाय करो या फिर इंट्राडे में बाय करो, आपको दोनों में सेम मार्जिन मिलेगा। ऐसा कोई इसमें नहीं है कि इंट्राडे में अलग होगा या ओवरनाइट, जिसे हम डिलीवरी बोलते हैं, उसमें अलग होगा। सेम आपको मार्जिन मिलेगा। मार्जिन इसमें आपको कितना पे करना पड़ेगा, 5,44,722, मतलब कि 5-5.5 लाख के आसपास आपको मार्जिन पे करना पड़ता है। इसकी टोटल वैल्यू बनती है 58 लाख। तो आप कैलकुलेशन करेंगे, आपको 10% आपको मार्जिन पे करना पड़ता है अप्रोक्स, और 90% आपको क्लाइंट साइड, जिसमें आप ट्रेडिंग करें, चाहे आप जिरोदा में करें या फिर किसी और ब्रोकरेज फर्म में, आपको मार्जिन मिल जाता है। इसमें आपको सिर्फ 10% पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया, जब आप एक लॉट को बाई करेंगे तो आप 1000 क्वांटिटी इसकी गोल्ड की बाई कर रहे हैं, मतलब 1 kg। 1 kg का मतलब हुआ कि 1 किलो आप गोल्ड को बाई कर रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ 5.5 लाख के आसपास आपको पेमेंट करनी है, जिससे आपका 1 kg आपका गोल्ड बाई हो जाएगा। बट इसमें एक्सपायरी बेस पे चलेगा। अगर आप इंट्राडे में बाई करेंगे तो आपको सेम डे स्केयर ऑफ करना पड़ेगा। अगर ओवरनाइट में बाई करेंगे तो आप इसको एक्सपायरी, जो फ्यूचर की अक्टूबर की एक्सपायरी है, इस मंथ तक आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद ये प्राइस आपको पता है कि मैंने और वीडियोज़ भी क्रिएट करी हुई हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप जिरोदा, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा या फिर अपस्टॉक्स के अंदर कोई भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे लिंक पे जाके अकाउंट फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इनकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग, डिलीवरी ट्रेडिंग, करेंसी कमोडिटी, किसी भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर मैंने इनकी अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई। जब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो अलग से आपको हर की प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, वहाँ पर आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके आएगा कि टाइप, जब आप मार्केट पर क्लिक करेंगे, आप देखना यहाँ पर मार्केट पर मैंने क्लिक करा तो ये प्राइस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट पे जब आप स्वाइप टू बाय करेंगे, स्वाइप टू बाय करने के बाद जो भी आपका करंट प्राइस होगा, जो मार्केट लाइव मार्केट में, तो आपको वो प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब आप लिमिट पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने लिमिट पे क्लिक करा तो मैनुअली प्राइस डाल सकते हैं। ये प्राइस कौन सा होगा, जिसमें आप बाइंग प्राइस बोलते हैं कि किस रेट पे आपको बाय करना है। अब इसका प्राइस देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, तो आप इसको मैनुअली डाल सकते हैं, मुझे 58,890 पे बाय करना है। जब आप ये प्राइस डालेंगे, स्वाइप टू बाय करेंगे, स्वाइप टू बाय करने के बाद जब ये प्राइस आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा और 1 दिन की वैलिडिटी होगी। अगर पूरे दिन के अंदर ये ऑर्डर आपका इस प्राइस में नहीं आता तो ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट डे आपको न्यू ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। SL में क्या आएगा, आप इसमें SL ऑर्डर लगा सकते हैं। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब SL पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा पेज SL का ओपन होगा, जब आप लिमिट पे क्लिक करेंगे तो पूरा पेज लिमिट का ओपन होगा, जब आप मार्केट पे क्लिक करेंगे तो पूरा पेज ये मार्केट का ओपन होगा। एक टाइम पे एक ही ऑर्डर आप लगा सकते हैं। जब आप SL पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब SL ऑर्डर आप लगाने जा रहे हैं। तो SL ऑर्डर के लिए आपको सबसे पहले आपके पास कोई भी पोजिशन, एग्जीक्यूट पोजिशन होनी चाहिए, मतलब कि आपने आज को इंट्राडे में
गोल्ड का एक लॉट्स बाय करा है उसके बाद, या फिर आपने डिलीवरी में आपने आज बाय करा है, या फिर आपके पोर्टफोलियो में एक दो दिन पहले आपने कोई भी पोजीशन आपके पोर्टफोलियो में या फिर कोई पोजीशन एग्जीक्यूट हो चुकी है उसके ऊपर ही आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा किसी भी पोजीशन को कवर करने के लिए होता है। एसएल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास लॉट्स मांगेगा कि कितने लॉट पे आपके आपको स्टॉप लॉस लगाना। आपके पोर्टफोलियो में 5 लॉट आपने बाय करे हुए हैं तो आप मैनुअली यहाँ पे मैक्सिमम 5 डाल सकते हैं जितने आपके पास हैं, और मिनिमम 1 डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, सबसे पहले ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस में कौन सा प्राइस आएगा, इसमें वो प्राइस आएगा जिसमें आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे 57,000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना एग्जाम्पल के लिए, तो आपको स्टॉप ट्रिगर प्राइस में 57,000 डालना पड़ेगा, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्राइस में आपको थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, 56,995 रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 57,000 हमने नीचे रखा था ट्रिगर प्राइस में, और 56,995, 5 पॉइंट के गैप में ये होता है कि इन दोनों के बीच में जो भी आपको प्राइस मिलेगा तो आपका ऑर्डर एसएल के साथ हिट हो जाएगा, जिससे आपका ज़्यादा लॉस कवर ना होगा, और इस ज़्यादा लॉस ना हो इससे आपका लॉस कवर हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि हम एक प्राइस दोनों में रखते हैं तो कई बार स्टॉक डाउन मूवमेंट की वजह से हमारा ऑर्डर पेंडिंग रहता है और हमारा एसएल ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हिट होने के बाद हमें मैनुअली इसको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। इसलिए हमेशा आपको 2 प्राइस इसमें रखने पड़ते हैं। इसमें ओवरनाइट रख सकते हैं, ऐसा कोई इसमें नहीं कि जब आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहे हो तो आप इसमें हमेशा ओवरनाइट भी रख सकते हैं, यह एसएल पे रहेगा। उसके बाद ट्रिगर मैंने बता दी, यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे वैलिडिटी आएगी, डे पे रखेंगे पूरे दिन वो आपका ऑर्डर वैलिड रहेगा दिन के अंदर। आईओसी में कुछ टाइम बाद कैंसिल हो जाएगा, इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल। और मिनट्स के अंदर मैनुअली मिनट्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि कितने मिनट्स तक मुझे ऑर्डर को वैलिड रखना है। यहाँ पे 240 मिनट डालेंगे तो आपका ऑर्डर 4 आवर्स 4 घंटे तक आपका ऑर्डर वैलिड रहेगा। स्वाइप टू बाय करेंगे तो आपका एसएल ऑर्डर ये लग जाएगा। ये हम लगा सकते हैं रेगुलर ऑर्डर। जब हम एएमओ ऑर्डर के अंदर जाएंगे तो एएमओ भी सेम चीज़ है, बट एएमओ का मतलब ये है कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जब कमोडिटी मार्केट क्लोज हो जाएगी मान लो 11:30 के आसपास, उसके बाद आपको पता है कि कल मार्केट इस टाइम पे इंक्रीज होगी, ओपन होगी, या फिर डाउन फॉल में ओपन होगी, तो आप उस टाइम कोई भी ऑर्डर आप पुट करना चाहें मार्केट क्लोज होने के बाद, उस टाइम आप ऑर्डर लगा सकते हैं। इसमें 2 कंडीशंस होंगी, आप ये ऑर्डर नेक्स्ट डे के लिए लगाएंगे क्योंकि जब मार्केट क्लोज हो जाएगी नेक्स्ट डे ओपन होगी उसके लिए आप ऑर्डर लगाएंगे। अगर आप इंट्राडे पे क्लिक करके लगाएंगे तो आपका ऑर्डर नेक्स्ट डे कल कल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप ओवरनाइट पे क्लिक करके लगाएंगे तो एक्सपायरी तक आपका ऑर्डर ही वैलिड रहेगा। इसमें 2 ऑप्शंस आएंगे, अगर आप मार्केट पे क्लिक करके कोई भी ऑर्डर को पुट करेंगे तो आप जब कल मार्केट ओपन होगी कमोडिटी की, तो ओपन होते जो भी प्राइस होगा तो आपका ऑर्डर उसी टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट पे लगाएंगे तो जो प्राइस आप रखेंगे उस प्राइस तक आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा, वो प्राइस आने पे आपका ऑर्डर ही एग्जीक्यूट होगा। ये ऑर्डर सिर्फ कल के लिए ही वैलिड रहेगा। अगर कल आपने मैनुअली यहाँ पे लिमिट प्राइस कुछ हो रखा, वो ऑर्डर वो प्राइस वहाँ तक नहीं आया, तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ये 2 चीज़ हमेशा याद रखना, इंट्राडे में आपको पता है, ओवरनाइट में आपको पता है कि आपका ऑर्डर किस टाइम तक वैलिड रहेगा। बाकी सब कुछ सेम फीचर है, मार्केट लिमिट एसएल सेम चीज़ रहेगी ईएमओ के अंदर, बट ईएमओ में यही 2 मेन चीज़ है कि आपको कैसे कैसे करना, वैलिडिटी भी आपकी यहाँ पे सेम रहेगी। इसी तरह आप एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। ये बस रेगुलर ऑर्डर हमेशा लाइव मार्केट में होता है, एएमओ मार्केट क्लोज होने के बाद होगा, ये एएमओ हमेशा नेक्स्ट डे के लिए होगा। इसी तरह आप हमारे साथ बीटीएसटी ट्रेडिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं बाई टुडे सेल टुमारो। ये सिर्फ इक्विटी कैश के अंदर होगी, जिसे हम सेविंग ट्रेडिंग बोलते हैं। पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड हमारी इंट्राडे निफ्टी ऑप्शन की ट्रेडिंग है, यहाँ पे आप दोनों वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।